हेलो लिटिल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल और बेल पब्लिक स्कूल प्रतापपुर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1 चल रही थी प्रीवियस वीडियो में, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1 हमारी थी नोइंग आवर नंबर्स, हमारे नंबर्स के बारे में जानना, और इसकी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू थी। इसी के क्वेश्चंस को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है स्टूडेंट, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। फॉर स्टिचिंग ए शर्ट क्लोथ इज नीडेड, कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसके आगे का है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ टोटल क्लोथ है कितना हमारे पास? 40 मीटर टोटल कपड़ा है हमारे पास 40 मीटर, और एक शर्ट को सिलने के लिए कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, कि कितनी शर्ट्स जो हैं इतने कपड़े से कितनी शर्ट जो है इस कपड़े से सिली जा सकती हैं, और सिलने के बाद कितना कपड़ा बच जाएगा। तो देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसमें टोटल क्लोथ है हमारे पास 40 मीटर, अब एक शर्ट को सिलने में लगते हैं कितने? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो पहले इसको क्या करो, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, जिससे आपको इजी रहेगा सॉल्व करने में। इसको पहले सेंटीमीटर बदल लेते हैं, यहां 2 मीटर है, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, यानी टोटल कितने हो गए? 215 सेंटीमीटर। ऐसे इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे? 4000 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा करना, कैसे? अब हमारे पास टोटल क्लोथ है 4000 सेंटीमीटर, और शर्ट हमारे पास सिली जा रही है कपड़े से, एक शर्ट कितनी? 215 सेंटीमीटर से। तो अब हमें क्या बताना है, क्या पूछा था हमसे? हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो शर्ट्स कैन बी स्टिच, तो कितनी शर्ट सिल सकते हैं हम? इस 4000 को डिवाइड कर देंगे सिंपल किससे? 215 से। 4000 को डिवाइड कर दो 215 से, डिवाइड करके देख लेते हैं 215 किससे डिवाइड होगा, पहले 400 से, कितना टाइम? वन टाइम, माइनस किया 5, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1, और इधर से 0 उतार ली। अब है 1815, तो 215 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करें? 8 से करके देखते हैं, 8 5 जो 40, 4 अनो 4 12 का 2 कैरी 1, और ये 1720, 8 से करने पर आया 1720, माइनस किया 031, ये बचा 130। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब देखो इससे क्या पता लगा हमें, कि हमारे पास टोटल क्लोथ था 4000 मीटर, उसमें से एक शर्ट सिली जा रही थी कितने कपड़े से? 215 सेंटीमीटर से। तो जब हमने 4000 को 215 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स डिवाइड किया? 18 टाइम्स, यानी ये हमारे पास क्या आ गई? नंबर ऑफ शर्ट्स, यानी कि इतनी शर्ट्स जो है हम इस कपड़े से सिल सकते हैं कंप्लीट, और सिलने के बाद हमारे पास कपड़ा कितना बच गया? ये बच गया 130 सेंटीमीटर क्लोथ रिमेन्स, ये इतना हमारे पास बच गया कपड़ा। ओके स्टूडेंट,
तो सिंपल आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, बस ये याद रखना है इसकी यूनिट जो है सेम कर लेनी है। इधर मीटर सेंटीमीटर दोनों है तो पहले दोनों को सेंटीमीटर में बदल दिया, और इधर मीटर था तो इसको भी किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। हमेशा डिवाइड सेम यूनिट वाले ही हो सकते हैं, ये याद रखना, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, दवाइयां हैं जो बॉक्सेस में पैक्ड हैं, और एक बॉक्स का वेट है ईच, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10, ईच बॉक्स वेइंग, एक बॉक्स का वेट हमें दे रखा है 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम एक बॉक्स का वेट है। अब हमसे पूछा है हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, अब एक वैन में हमें इन बॉक्सेस को लोड करना है, और विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, और उस वैन में कितना वजन मैक्सिमम आ सकता है, 800 kg, उससे ज्यादा का वजन नहीं आ सकता। वैन कैरी मैक्सिमम वेट कितना, 800 kg। भाई एक वैन है उसमें मैक्सिमम 800 kg का वेट आ सकता है। अब एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम, तो हमें बताना है कि उस वैन के अंदर ऐसे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ये यहां पर ग्राम है तो इसको भी किस में चेंज कर लो, ग्राम में। 1 ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 4000, तो ये 4000 और 500 कितने हो गए, 4500 ग्राम। ऐसे ही इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 800 किलो में ये हो जाएंगे 800000 ग्राम। ठीक है, दोनों को ग्राम में चेंज कर लिया, जिससे हमें इजी होगा डिवाइड करना। अब हमें बताना क्या है, हाउ मच बॉक्सेस लोडेड इन द वैन, तो क्या करना है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई मैक्सिमम इतना वेट आ सकता है और एक कप बॉक्स का वेट इतना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 800000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4500 से, 4500 से वन टाइम डिवाइड किया, 4500 माइनस किया 0053, 3500, इधर से एक जीरो उतारी, 35000, कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 8 टाइम देते हैं, 0036000 आ गए, तो 7 टाइम्स देके देखते हैं, ये आया 31500, माइनस करो 0054, ऊपर से उतारेंगे क्या 045000, तो एक मिनट 31500 और 4, यहाँ 3 आएगा ना भाई, 0 में 0 गए माइनस, 10 में से 5 गए 5, फिर इधर 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, इधर से 0 उतारा, अब 4500 को कितना बनाना है हमें, 35000, तो कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा भाई, 7 टाइम, 31500, और बच कितना गया, 3500, तो यानी कि ये जो आए हैं, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस, कि इतने बॉक्सेस उस वैन के अंदर हम लोड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे, दोनों में क्या करना है हमें, सिंपल डिवाइड करके देखना। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, इनको वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना घर पे,
अच्छे से समझने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट कर देना। आज क्लास यहीं और करते हैं, थैंक यू सो मच।